नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। जंगली हाथियों ने गन्ने व धान की फसल कर डाली बर्बाद। दुधवा टाइगर के बफर जोन जंगल के निकटवर्ती गांव हंसपुर व सुरजनपुर गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने पहुंचकर किसानों की कई एकड़ धान व गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि हाथियों की संख्या लगभग 2 दर्जन है। रात में आकर हाथियों ने फसल को तहस नहस कर डाला। किसान हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे सहमे हुए हैं तथा घटना की वन विभाग को किसानों ने सूचना दी। सूचना पाकर वन क्षेत्राधिकारी मैलानी केपी सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया तथा किसानों से सतर्कता बरतने की अपील की, जिससे कोई जनहानि न हो सके। साथ ही निरंतर निगरानी जारी की बात कही। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हाथियों की लोकेशन कुकुरगढ़ा व मड़हा बाबा मिल रही है। अरे हम 10 एकड़ दिखाएंगे। 10 एकड़ बहुत लोगों को नुकसान किया। हाँ हाँ हाँ, चले उस गेट पे चलते हैं। उसमें बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। नहीं यार, रात 1 बजे में आया ट्रैक्टर लेके, एक तो नहीं सोया मैंने। एंगल सही नहीं आ रहा। नुकसान हुआ कैसे, कब नुकसान हो पाया, क्या है? आज मेरे परसों रात में ये जंगली हाथी आ गए थे, 25-30, बहुत खतरनाक थे। बहुत उन्होंने धान और गन्ना तबाह किया है। गांव हंसपुर में आए हुए थे ये, और हमारा गन्ना। आप परसों ना बोलो। अच्छा, क्या मामला पूरा बताएं सर से। हाँ जी, ये जंगली हाथियों का 20-30 झुंड आके हमारे धान और गन्ना का नुकसान किया है। और जो हाथी थे बहुत खतरनाक थे, हम लोग डर के मारे अपने खेतों में घुस गए थे, घरों में घुस गए थे। आगे भी ध्यान का ध्यान रखना पड़ रहा है। हम डर के मारे अपनी खेती का विचार नहीं कर पा रहे हैं, हमको बहुत खतरा है। कितना एकड़ फसल नुकसान हुआ है? अरे कम से कम 5 एकड़ धान खत्म हो गया, गन्ना 4-5 एकड़ खत्म हो गया, और आगे भी खतरा इनका बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसको वन विभाग का कुछ ना कुछ इसका सोचना चाहिए। हम गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे। बताया जाता है कि आपके घर में इसकी बेटी की शादी थी। हाँ, हमारे घर में बेटी की शादी है, उसका इतना गन्ना धान और नुकसान हो गया, हम लोग क्या करें बताइए सर। कहाँ से करेंगे, और आगे भी खतरा बना हुआ है। हाथी यहाँ मान नहीं रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। क्या आपने वन विभाग की टीम को अवगत कराया था? विभाग की टीम अवगत कराया था, लेकिन आके देख के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं करा।